हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो सैमसंग मोबाइल को मिरेकल बॉक्स से फ्लैशिंग करना चाहते हैं। अगर आप जानते हैं सैमसंग मोबाइल को मिरेकल बॉक्स से फ्लैशिंग करने के लिए, तो आप इस वीडियो को ना देखें। और अगर आप नहीं जानते हैं सैमसंग मोबाइल को मिरेकल बॉक्स से फ्लैशिंग करने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मनन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे सब्सक्राइब कर दें। और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सैमसंग का J5 है, और इसे हमें जो मिरेकल बॉक्स से फ्लैशिंग करना है। तो दोस्तों, ये J5 ही नहीं है, J7 कोई भी सैमसंग का मोबाइल है, जैसे मान के चलिए स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल, आप किसी भी सैमसंग को आप मिरेकल बॉक्स से फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें जो है मिरेकल बॉक्स से फ्लैशिंग करना है। तो दोस्तों, फ्लैशिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले सैमसंग का जो फ्लैश फाइल है, वो सैमसंग के स्टॉक रूम से आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो जो आपका मोबाइल है, जो आपका मॉडल नंबर है, जो आपका वर्सन है, सही वर्सन आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मिरेकल बॉक्स में आप इसको फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मिरेकल बॉक्स को पहले ओपन कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रखा है अपने डेस्कटॉप पर, सैमसंग J5 का। और इसे, ये जो कंप्रेसर फाइल है, इसे पहले हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें इसे फ्लैश करना है मिरेकल बॉक्स से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर फाइल को हमने इरेज किया, तो हमारे डेस्कटॉप पे ये आ चुका है। और अब हमें अपने जो मिरेकल टूल में जो सैमसंग टूल है, उसे हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है स्कैन पे जाना है, स्कैन करना है, और हमारे जो कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में जो हमारा मोबाइल है, हमें उसे डाउनलोडिंग मोड पर जो लाना है। फिर सैमसंग का जो मोबाइल है, उसे हमें वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम पावर, उसके बाद होम बटन को हमें एक साथ जो है प्रेस करना है, एक साथ दबाना है, तो डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग मोड पे लाने के बाद हमें जो है उसका जो डाउनलोडिंग मोड है, उसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। दोस्तों, जब हमारे मोबाइल में डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा, तो हमें अपने USB डाटा केबल से हमें कंप्यूटर में उस मोबाइल को कनेक्ट कर देना है डाउनलोडिंग मोड के हालत में। और उसके बाद हमें जो यहाँ पे स्कैन करना है, और यहाँ पे जब दिखा देगा वो सैमसंग का जो USB दिखा देगा यहाँ पे, तो हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सैमसंग का जो है दिखा चुका है, जो तो इसे हमने सैमसंग का जो USB है, इसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डाउनलोडिंग मोड को। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है राइट प्लेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें CS पे क्लिक करना है, और अपने डेस्कटॉप पे जो हमारा जो फाइल है सैमसंग का, जिसे हमने इरेज किया था कंप्रेसर फाइल को, उस फाइल को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें स्टार बटन पर क्लिक करना है, हमारा जो फ्लैशिंग है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैशिंग है, हमारे सैमसंग मोबाइल में जो हमारा फ्लैशिंग शुरू हो चुका है, और इसे हमें कंप्लीट 100% होने देना है। तभी उसके बाद हम, जब ये कंप्लीट 100% फ्लैशिंग हो जाएगा, तभी हम अपने उस मोबाइल को भी दोबारा, फिर बैटरी को निकाल करके, फिर दोबारा बैटरी को लगा करके हम उस मोबाइल को ऑन करके देख लेंगे कि हमारा मोबाइल जो है वो फ्लैश हुआ कि नहीं, हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हुआ कि नहीं, ठीक है। उस मोबाइल को हम देख लेंगे कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं। तो इस वीडियो में लास्ट तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें इसे फ्लैश करना है। पूरा कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा ये मोबाइल, तो फिर उस मोबाइल को हम आपको ऑन करके दिखाएंगे कि वो मोबाइल हमारा जो है सही हुआ कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जब वो मोबाइल ऑन होगा, तो उसमें कुछ जो है टाइम लगता है ऑन होने में, और उसको उसमें जो है कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, और वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा।